संदीप केडिया जी आप तो कोषाध्यक्ष पद पर हैं, राजेश वर्मा को जिताने के लिए मतलब कोष से कितना खर्च करना पड़ा? राजेश वर्मा जी पर तरह तरह के दाग थे, उस दाग को धोए किस साबुन से? ये अब लाइव इंडिया और मैं हूँ राजेश सिन्हा। लोकसभा चुनाव का लोकसभा चुनाव के सातों चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। दावा तो एनडीए के लोग भी जीत का कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग भी जीत का दावा कर रहे हैं। जीत होगी क्योंकि यह तो 4 जून को स्पष्ट होगा। फिलहाल अभी हमारे साथ खगड़िया जिले के जदयू जिलाध्यक्ष बबलू मंडल जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वाकई कम से कम खगड़िया सीट के विषय में वो क्या कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप ये बताइए कि दावा तो इंडिया गठबंधन के भी लोग कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, अभी तक आकलन क्या मतलब क्या कहता है, ये जीत किनकी होगी? हमारी जीत तय है, एनडीए गठबंधन के राजेश वर्मा जी की जीत तय है और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, बिल्कुल एक तरफा है। और खगड़िया के जो मतदाता हमारे माता बहने युवा साथियों ने जो मत देने का काम किया, ये नीतीश जी और मोदी जी के कामों को विकास को वोट किया और विकास के नाम पर सभी खगड़िया जिलावासी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। राजेश वर्मा जी पर तरह तरह के दाग थे, उस दाग को धोए किस साबुन से? किस तरह की दाग थी? ना राजेश वर्मा जी पर कोई दाग, गुंडा बैंक SC ST एक्ट मतलब मामले में चार्जशीटेड। देखिए, आपको जब हम लोग राजनीति जीवन में हैं, अगर किसी पदाधिकारी से, क्योंकि वो जो आप जिस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, वो नगर निगम में वो उप महापौर के पद पर थे, अगर समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए अगर किसी तरह का आंदोलन करे, किसी ऑफिसर से उसकी मांग को रखे, अगर जनता की बात को रखने में अगर कुछ मुकदमा हो गया, ये अपराधी थोड़े, कोई क्रिमिनल थोड़े राजेश वर्मा जी, जनता की लड़ाई लड़े उस पर कुछ मुकदमा हुआ। चौधरी महबूब अली कैसर पाला बदल कर RJD की तरफ चले गए, उसके कारण क्या असर पड़ा, कितना असर पड़ा? चौधरी महबूब अली पाला बदले बाद में जब NDA ने टिकट उनका काट दिया, खगड़िया जिला में उनका 0/0 विकास का काम। हम लोग NDA के जिला अध्यक्ष हैं, हमें नहीं मालूम क्या किए वो, 2 टर्म रहे सांसद, कोई बात नहीं किसी NDA के लोगों से क्या किए नहीं किए वो कुछ नहीं, क्योंकि खगड़िया के लोगों ने विकास को वोट किया, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट किया, नीतीश जी के नाम पे वोट किया और राजेश वर्मा जी के युवा और कुछ करने की क्षमता है, खगड़िया के लोगों ने उनमें देखा ये युवा खगड़िया के लिए काम करेगा। एक नारा बुलंद हुआ कि 20 के चुनाव में नीतीश जी का कुर्ता छोटा किया गया, कुर्ता छोटा करने वाले का भी कुर्ता छोटा करना, जिसका कुछ असर पड़ा क्या? ऐसा कुछ नहीं असर, क्योंकि देखिए विपक्ष के लोग क्या करेंगे, राजनीति में ये सब चलते रहता है। जब हम लोग साथ में हैं, जनता दल यू के नेता हमारे सर्वमान्य नेता और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया, जनता दल यू का पंचायत स्तर का साथी भी पूरे ईमानदारी से अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में लगा रहा, खगड़िया में भी सभी जनता दल यू के साथी ने ईमानदारी पूर्वक राजेश वर्मा जी के लिए काम किया और NDA प्रत्याशी के लिए काम किया। अच्छा, बिहार की बात अगर हम करें तो बिहार में मतलब 40 सीट का दावा आप भी कर रहे हैं, आपके विपक्षी भी 40 सीटों का दावा कर रहे हैं, क्या लगता है? विपक्ष के लोग थोड़े कहेंगे कि हम हार जाएंगे, हमारा तो स्पष्ट है, क्योंकि हमने काम किया है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने काम किए, देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किए, लोग ने विकास को चुना और जितनी मतलब हमारी माँ बहने जितना 2005 के राज के शासन का याद करता है, लोग सिहर सा जाता है, आज मेरी माँ बहने इतने आज़ादी पूर्वक रह रही है, व्यवसायी बंधु आज़ादी पूर्वक अपनी व्यवसाय कर रहे हैं, हर समाज का हर तबका का
जो बिहार के अंदर लोगों में जागरूकता बढ़ा, नया नया रोजगार लोग कर रहे हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार के लिए व्यवस्था भी दिए हैं, 10 लाख रुपए का लोन देते हैं, 5 लाख माफ है, 5 लाख 84 किस्त में लौटाना है, युवाओं के लिए तरह तरह का काम किए हैं, नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। लोगों ने बिहार के अंदर जो हमारे 2005 के पूर्व के शासन काल को लोग याद करता है, जो नए साथी नहीं देख पाए हैं, उनके घर के लोगों को ये पता है और वो लोग जाने 2005 के पूर्व के शासन काल को, हमारे युवा साथी भी लोग अपने अपने गार्जियन से जब जाने की क्या स्थिति था बिहार का, तो युवा साथी ने भी बढ़ चढ़ कर एनडीए गठबंधन को साथ दिया, एनडीए गठबंधन को वोट किया, नहीं नीतीश कुमार जी के शासन काल में, नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद नीतीश जी कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्या लेंगे? तेजस्वी जी बताएंगे, हमारे नेता फैसला लेंगे, एनडीए के नेता हैं, एनडीए को पता होगा ना, तेजस्वी जी को क्या पता होगा, ये विपक्ष के लोग तो क्या बोलेंगे, आप उनको माइक लगाइएगा तो कुछ तो बात रखेंगे, तो विपक्ष के लोग कुछ से कुछ बोलेंगे, लेकिन हमारे नेता, आपने जो बोला कि कुर्ता छोटा बड़ा करने का, हमारे नेता ने पूरे ईमानदारी से और नेता के सभी कार्यकर्ता हम लोग पूरे ईमानदारी से पंचायत स्तर तक का पूरे ईमानदारी से सभी जगह लोजपा के भी जहाँ जहाँ कैंडिडेट थे हमारे नीतीश कुमार जी जा करके वहाँ उनको पुत्र समझते हैं, चिराग पासवान जी को पुत्र समझते हैं और गले लगाकर आशीर्वाद दिए और सभी मतदाताओं को वोट देने की अपील किए। जो छुटवइये नेता हैं, जो दो चार नेता हैं जिनको कभी पार्टी से कोई मतलब रहा नहीं, कभी एनडीए का बन जाएंगे, कभी राजद गठबंधन का, कभी महागठबंधन का, कभी इंडिया गठबंधन का, इस तरह के लोग जो भी दुष्प्रचार किए, लेकिन मास लेवल में मतदाताओं ने इसे खारिज करते हुए अब की बार 400 पार मतलब ये खारिज करते हुए नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट किया, नरेंद्र भाई जी को मोदी के नाम पर, राजेश वर्मा जी को वोट किया, अब की बार 400 पार का नारा बुलंद होता रहा, क्या लगता है 400 पार कर जाएंगे आप? बिल्कुल, एक लक्ष्य रखना पड़ता है ना कि हमारा ये लक्ष्य है, ये काम करेंगे, और बहुत बेहतरीन लक्ष्य था हमारे जो भी एनडीए के सर्वमान्य नेता ने ये लक्ष्य रखा 400 पार का, निश्चित रूप से हम लोग 400 पार करेंगे और बिहार का 4000 सीट नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के झोली में देकर हम लोग एनडीए गठबंधन बिहार में भी मजबूत स्थिति में उनको हाथ को मजबूत करने का काम करें। संदीप केडिया जी, आप तो कोषाध्यक्ष पद पर हैं, राजेश वर्मा को जिताने के लिए मतलब कोष से कितना खर्च करना पड़ा? अब वो तो हम लोग जो है इलेक्शन कमीशन को डाटा दिए हैं हमारे खर्च का, आप वो इलेक्शन कमीशन से लीजिए, जो खर्च हम लोग किए हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास है, आप जाके उनसे ले लीजिए। जनता को बता दीजिए कि मतलब इस दाग को धोने में राजेश वर्मा पर जो दाग लगा हुआ, क्या दाग लगा हुआ? अनगिनत दाग था, बताइएगा तब ना। गुंडा बैंक संचालन, क्या गुंडा बैंक संचालन, आप लोग जो है एक पेपर के कटिंग, हमारी बात पहले सुन लीजिए, नहीं नहीं आप लोग एक पेपर के कटिंग में पेपर में लिखा कि गुंडा बैंक के श्रेणी में राजेश वर्मा, वो गुंडा बैंक है क्या? पहले उस गुंडा बैंक के बारे में आप वहां जाइए भागलपुर में समझिए, वहां जो 5-7 साल 8 साल 10 साल के पीरियड में जो जमीन खरीदे, जो लोग जमीन खरीदे उसमें जो उस समय डिप्टी मेयर थे, तो इनका नाम जो है पेपर में हेडलाइन आ गया, चूंकि इनका विवाद रहता था वहां, तो वो एक हेडलाइन आ गया कि गुंडा बैंक के संचालक राजेश वर्मा, उसमें और भी बहुत से नाम है और उसमें जो है जांच हुई, जांच होकर के ये बेदाग वहां से निकल गए। तो गुंडा बैंक का संचालन राजेश वर्मा नहीं करते, क्या बैंक है आप बताइए ना, आप लोग के पास क्या उसका आधार है? आप एक पेपर कटिंग के ऊपर आप समूचा बात बोल, उसके अलावा कोई आदमी ऐसा कहे कि नहीं राजेश वर्मा हमसे जो है हम 5 लाख लिए थे और हमको 50 लाख रुपया हमसे वसूला, कुछ ऐसा कोई आदमी को लाइए, वो आप एक पेपर के कटिंग से आज तक पूरे चुनाव में आप बोलते रह गए, जिसको उन्होंने भी अपना एकदम सादगी से अपने विचार को रखा,
आप गुंडा बैंक क्या है, आप पहले इसके ऊपर आइए कि गुंडा बैंक है क्या, आप ही बता दीजिए गुंडा बैंक होता क्या। गुंडा बैंक कुछ है ही नहीं, वो डिप्टी मेयर थे, उनकी वहां पे जो सचिव थे उससे उनका झंझट था, और वो झंझट इतना बड़ा कि वो सचिव ने जो नगर निगम के जो वहां पे आयुक्त थे उन्होंने उनके ऊपर एसटीएससी केस किया। ये उन्हीं का देन था जो वो हेडलाइन बनवाए। संदीप जी, दाग राजेश वर्मा पर लगे दाग को आप मतलब धो पाए या नहीं धो पाए, ये तो चार को स्पष्ट होगा, लेकिन अगर धोने का कोशिश किए तो कौन सा साबुन लगा रहे थे धोने के लिए? दाग रहेगा तब तो धोएंगे। आप गुंडा बैंक है क्या पहले हमको ये बताइए ना, कि गुंडा बैंक जो आप कह रहे हैं कि राजेश वर्मा गुंडा बैंक का संचालक है, तो आप किस बिना पे कह रहे हैं कि गुंडा बैंक ये कर दिया वो कर दिया? आप सब आदमी एक पेपर के हेडलाइन के ऊपर राजेश वर्मा को कह रहे हैं, उस पूरे पेपर को पढ़े भी नहीं, खाली उसका जो मुख्य हेडलाइन है आप उसी पे उनको गुंडा बैंक कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ बेदाग कैंडिडेट थे, एक तरफ दागदार कैंडिडेट थे, लोग भरोसा किन पर किया? क्या दागदार थे कि क्या बेदाग थे? वो उनके पिताजी के कार्यक्रम को, आप 5 साल का जो उनके पिताजी का कार्यक्रम था वो खगड़िया की जनता ने देखा, जहां से वो जीत करके आते थे मारर से, मारर में उन्होंने पुल जो है 50 कदम उधर बनाने का प्रयास किया था, जिस पुल में लंबा चौड़ा घोटाला हुआ, आज भी वो पुल बना हुआ पड़ा है, जिससे लोग चचरी के पुल से जाते थे। वो तो मारर की जनता ने उनको जो है उस समय क्या नहीं किया उनके ऊपर, और आप उस आदमी को बोलते हैं बेदाग जिन्होंने लंबा घोटाला किया अपने पिताजी के जो है शासन काल में, उस आदमी को आप बोलते हैं बेदाग? समूचा काम यही करते थे संजय जी। अच्छा, मतदान तो संपन्न हो गया, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, क्या लगता है खगड़िया में मतलब आपके राजेश वर्मा कितने मतों से जीत रहे? देखिए, खगड़िया के पहले भौगोलिक स्थिति को समझिए, खगड़िया में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में हम कौन विधानसभा में हार रहे हैं तब ना हम हारेंगे, हम 6 विधानसभा में लीड कर रहे हैं, हमारा 6 विधानसभा में अपार बहुमत से हम लीड करेंगे, हमारे 6 विधानसभा में हमारे समीकरण के वोट है जो हमारे साथ इंट्रिप्ट है, हमारा वोटर हल्ला नहीं करता है, बूथ पे वोट दिया और अपने घर में सो गया, वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं है कि हमने हेलीकॉप्टर को राजेश वर्मा को वोट दिया, उनका वोटर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 10 आदमी वोट दिए उस 100 आदमी के बराबर हल्ला कर रहे हैं, तो आपको उनका वोटर नजर आ रहा है? हमारे वोटर के पास आप जाइए, गाँव में जाइए, मुसहरी में जाइए, आप घुमा के जब पूछिएगा तब वो बोलेगा कि हम राजेश वर्मा को हेलीकॉप्टर छाप में वोट दिए, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहा जाता है कि आपके जदयू विधायक और पूर्व विधायक ने आप लोगों का साथ नहीं दिया? सभी विधायकों ने हम लोग का साथ दिया, हर मीटिंग में थे, रोड शो में वो थे, ये तो अफवाह है ना, विरोधी लोग तो अफवाह फैलाएंगे ही, विरोधी लोग ये साथ नहीं दिया वो साथ नहीं दिया, हमारे पूर्व विधायक भी थे, माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ वहाँ पूनम यादव भी थी, पन्ना बाबू भी थे, डॉक्टर संजीव भी जो है कई कार्यक्रमों में रोड शो में थे। डॉक्टर संजीव के समर्थकों का कहना है चूंकि राजेश वर्मा दागदार हैं थे इसलिए कर उनके पक्ष में प्रचार डॉक्टर संजीव ने नहीं किया। डॉक्टर संजीव ने तो खुले गाड़ी में खड़ा होकर के प्रचार किया, अब इससे ज्यादा प्रचार किया होता? अब आपके पास तस्वीर नहीं है तो हम आपको तस्वीर दे देंगे जो वो खुली गाड़ी में पूरे दलबल के साथ वो घूमे, अब इससे बड़ा प्रचार क्या होता आप बताइए? पूनम यादव कहीं दिखी नहीं, क्या कह सकते? पूनम यादव का कुछ सेहत खराब था पर हमारे मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में वो थी, उनकी कुछ सेहत की समस्या थी और उन्होंने पूरा दिल से हम लोग को समर्थन किया। बेलदौर विधायक पन्ना लाल पटेल क्या खुलकर साथ दिए क्या? पन्ना बाबू खुल के घूम रहे थे, पूरा भ्रमण किए, पंचायत पंचायत गए, आप वहाँ जाइए 10 पंचायत में आप पूछिए कि पन्ना बाबू आए थे, उनका लड़का जो है वो भी घूम रहा था हम लोग के पक्ष में। अच्छा, चलते चलते ये बताइए संदीप जी, जीत का फासला क्या होगा? हमारी जीत की सबसे बड़ा फासला बढ़ाने का काम हमारी माताओं ने किया, हमारा जीत जो आप लोग जो कह रहे हैं कि 25-50 हजार से जीतेगा, कोई चैनल वाले आके आगे कुछ कह दिया, सबसे बड़ी चीज है इस चुनाव में 55 हजार महिलाओं का वोट ज्यादा गिरा है, पुरुष की अपेक्षा 55 हजार खगड़िया लोकसभा में 55 हजार वोट जो है महिलाओं का ज्यादा गिरा है, वो 55 हजार वोट हम लोग को वहीं पे हम लोग को 1.5 से 2 लाख रुपए वोट का हम लोग को वहां पे वो मार्जिन दे देगा और हमारे जीत का सबसे बड़ा श्रेय महिलाओं को जाएगा। जीत का पैमाना आप महिलाओं को मान रहे हैं? एकदम है ही, हमारी महिला आज हमारे मुख्यमंत्री की जो भी योजना है वो महिला के
ऊपर ही गुजरती है, महिला के रास्ते से ही जाती है। हमारे प्रधानमंत्री की जो भी योजना है वो महिला से होके ही गुजरती है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जब महिलाओं के इतना आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आरक्षण 50% देने का काम किए, महिलाओं के बात पे शराबबंदी बंद करने का काम किए, आज जो अनाज की योजना उससे सबसे ज्यादा प्रभावित महिला होती थी वो लाभार्थी महिला है, आज जो है हमारा जो है क्या बोलते हैं आयुष्मान कार्ड है, उज्ज्वला योजना है, कई योजना है, शौचालय है जिसमें महिलाओं को जो है वो पीड़ा झेलनी पड़ती थी, अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, हमारे तो समूचा स्कीम ही महिलाओं पे।